हेलो गाइस एंड वेलकम टू तरनाज इजी किचन चैनल। रमज़ान स्पेशल शीर कोरमा, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तरनाज इजी किचन चैनल को और भी रेसिपीज के लिए। शीर कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन रख देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, 2 बड़ा चम्मच घी। घी को गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे ये सेवैया, गैस का फ्लेम लो रख लेंगे और ये सेवैया को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे ऐसे। थोड़ी देर रोस्ट होने देंगे इसे। अब इसके साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा ड्राई फ्रूट, थोड़े से आलमंड्स यानी बादाम, पिस्ता। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से अखरोट, किशमिश, और इसे भी रोस्ट होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जो ड्राई फ्रूट है और सेवैया है अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो इसे आप साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है जिसको बॉईल होने देंगे अच्छे से। देखिए जो दूध है वो बॉईल हो गया है। अब इसमें ये सेवैया ऐड कर लेंगे। इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें डाल देंगे ये चीनी। मैं 1/2 कप चीनी ले रही हूँ यहाँ पे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या चीनी की क्वांटिटी जितना आपने दूध लिया है उसके हिसाब से इसमें डालेगा। इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएं। मैं ऐड कर रही हूँ ये इलायची। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। हो चुके हैं, जो इसका घी है वो भी साइड में आ गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। शीर कोरमा रेडी है, इसे करते हैं प्लेट। तो लीजिए, शीर कोरमा बनके एकदम रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस तरनाज इजी किचन पे ज़रूर शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कीजिए। उससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर मेरी अगली वीडियो के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे कुछ अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। डू ट्राई दिस रेसिपी। बाय बाय।